तो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रवंग वरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुम्बाए। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूँ। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते हैं। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थांग आरो थाना नई थानो हा। देवी और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थावसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग को स्वीकृति दिलाने
तथा उच्च शिक्षा में बोडो भाषा को स्थान दिलाने जैसे प्रयासों में बोडो साहित्य सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई। आप लोगों के प्रयास के फलस्वरूप बोडो भाषा को असम राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बोडो भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले महानुभावों का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। 20वीं सदी के आरंभ में बोडो पुनर्जागरण के जनक गुरुदेव श्री कालीचरण ब्रह्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था। श्री रूपनाथ ब्रह्मा ने बोडो पुनर्जागरण की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। बोडो भाषा और साहित्य के विकास में बीबर नामक पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका प्रकाशन आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1924 में शुरू हुआ था। उसके संपादक श्री सतीश चंद्र बासु मतारी ने उस पत्रिका के माध्यम से बोडो समाज भाषा और साहित्य में एक नई जागृति उत्पन्न की थी। देवियों और सज्जनों, श्री मदाराम ब्रह्मा ने बोडो नाटक और कविता के साथ साथ शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी। पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाले बोडो समुदाय के प्रथम व्यक्ति के रूप में उनका विशेष स्थान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्मा बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रखर सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य की रचना करने वाले तथा बोडो साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कामेश्वर ब्रह्मा को सन 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉ. मंगल सिंह हाजोवरी को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से अलंकृत करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल सिंह हाजोवरी और नीलकमल ब्रह्मा जैसे अनेक बोडो रचनाकारों ने पर्यावरण को बचाने की चिंता से प्रेरित रचनाएं की हैं। मानवता के समक्ष उपस्थित ऐसी गंभीर चुनौती के विषय पर लेखन करना बोडो साहित्य की प्रासंगिकता का प्रभावशाली उदाहरण है। बोडो साहित्य को अनेक रचनाकारों ने समृद्ध किया है, जिनमें से समय के अभाव के कारण कुछ नामों का ही मैंने उल्लेख किया है।